प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्रिका के दिए साक्षात्कार में कहा कि विपक्ष का महागठबंधन देश हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए है। मोदी से नफरत ही विपक्ष को एकजुट कर रही है। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कानपुर दिल्ली के बीच शुरू की हवाई सेवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में 7 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। यूपी डिफेंस एयरोस्पेस 2018 के प्रस्ताव को मंजूरी एवं रीजनल कनेक्टिविटी के तहत हवाई अड्डों का होगा विकास। प्रदेश सरकार ने राजस्व लेखपालों की हड़ताल को किया 6 महीने के लिए प्रतिबंधित, साथ ही लागू किया एस्मा आदेश का अनुपालन न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वराज्य मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि विपक्ष का महागठबंधन देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन राष्ट्र हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत अस्तित्व की लड़ाई है। विपक्ष का हर नेता इस समय प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी को हटाने के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मोदी से नफरत ही विपक्ष को एकजुट कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एनडीए मजबूरी नहीं बल्कि विश्वास का एक नाम है। देश में जितना ज्यादा एनडीए को प्रतिनिधित्व होगा वो भारत के लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है और एनडीए इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में अलग अलग समय में होने वाले चुनावों में अधिक संसाधनों का उपयोग होता है जिसमें राजकोष पर भारी बोझ पड़ता है। ऐसे में अगर देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो देश की प्रगति के साथ साथ सहकारी संघवाद की भावना को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने निजी सुरक्षा मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान काफी लोगों से मिलता हूं। देश के लोगों के प्यार और स्नेह को देखकर मैं कार में बैठा नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों के बीच रहकर उन्हें शक्ति मिलती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार की विदेश नीति अद्वितीय पहुंच के साथ अभूतपूर्व नतीजे दे रही है। मई 2014 में एफडीआई लगभग 222 अरब अमेरिकी डॉलर थी जबकि 2017 के आखिरी तक यह आंकड़ा बढ़कर 368 अमेरिकी डॉलर का हो गया। उन्होंने कहा कि सटीक विदेश नीति के बदौलत भारत इस समय मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह और वासनेर व्यवस्था का सदस्य है। विदेश नीति का ही नतीजा है कि काले धन और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के प्रयास को G20 में जबरदस्त सराहना मिली है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार ने आर्थिक मोर्चों पर जो भी काम किए हैं उसी का असर है कि अगले साल GDP की दरें 8% और इससे ऊपर जाने की उम्मीद है। वी आर नाउ ऑन द कस्प ऑफ अ मेजर सस्टेन्ड एंड ऑन गोइंग रिकवरी। आई थिंक वी विल शिफ्ट नाउ फ्रॉम अ 7.5% ग्रोथ नेक्स्ट ईयर टू 8 and 8 and above. And this is, I want to couple this with an announcement, which is that the Niti Aayog, it has been mandated to do so. We are coming out with the strategy for New India 2022. This has already been prepared, has been sent to the draft has been prepared and has now been sent to the chief ministers for their comments, which will be, of course, duly incorporated with all the attention. कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट अहिरवा से दिल्ली के लिए स्पाइसजेट की हवाई सेवा आज से शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर विमान को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कानपुर को के लिए खुशी का पल बताते हुए कहा कि कानपुर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र है और इस क्षेत्र का विकास हमारी सरकार प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि कानपुर से हिडन एयरपोर्ट को जोड़ने से कानपुर के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ठ नेता और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी के प्रयास से कानपुर को मेट्रो की धनराशि सरकार निर्गत करने जा रही है जिससे कि यहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि आगरा और मेरठ को भी मेट्रो सेवा देने के लिए काम किया जा रहा है। कानपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जा रही है जिससे कानपुर के लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। इस सब के साथ उन्होंने कानपुर वासियों से कहा कि गंगा कानपुर की पहचान है और इसको निर्मल रखना कानपुर वासियों की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर उन्होंने स्पाइसजेट विमान को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया।
की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है और बहुत शीघ्र मेट्रो की धनराशि को हम लोगों ने अमुक्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बहुत शीघ्र मेट्रो निर्माण की कार्रवाई आपके कानपुर में भी प्रारंभ हो जाएगी। आगरा और मेरठ को भी हम मेट्रो के साथ जोड़ रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेट्रो के साथ आगरा और मेरठ को भी हमने अपनी सहमति दे दी है। कानपुर प्रदेश का पहला सिटी है जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया है। इसके माध्यम से एक स्थान पर बैठ करके हम पूरे कानपुर नगर की ट्रैफिक की व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं और उसके माध्यम से लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा के लिए एक माहौल प्रदान कर सकते हैं। वह कार्रवाई कानपुर के अंदर हो चुकी है, प्रदेश के अन्य महानगरों के अंदर भी हम इसको लागू करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कानपुर अपने आप में सौभाग्यशाली है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है। माँ गंगा का आशीर्वाद कानपुर के ऊपर सदैव से बनी रही है। जब माँ गंगा का आशीर्वाद है तो फिर कानपुर के वासियों को माँ गंगा पर भी कुछ न कुछ अपनी उन जिम्मेदारियों को भी निभाने के लिए तैयार होना होगा। गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता के लिए अगर हम सबके स्तर पर कुछ हो सकता है तो हमें भी अपने स्तर पर उस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। नमामि गंगे परियोजना में चल रही कार्रवाई को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ साथ हम लोगों को अपने स्तर पर भी प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी गंगा मैया को कहीं भी गंदा नहीं होने देंगे। उसकी अविरलता के लिए, उसकी निर्मलता के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे, कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 7 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी डिफेंस तथा एयरोस्पेस नीति 2018 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है और इससे 2.5 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2018 में 2 अरब की वित्तीय स्वीकृति कैबिनेट ने दी। अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद में एयरपोर्ट के विकास के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भूमि देने का प्रस्ताव पास किया गया है। बैठक में राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की परिसंपत्तियों को खनिज निदेशालय को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 5 साल में 50,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और इसमें 2.5 लाख नवीन अवसरों का सृजन प्रस्तावित है। इसमें कॉरिडोर में अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, ये 6 जिलों में डिफेंस कॉरिडोर के नोड्स बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए आंगनों में एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, फ्रेमलेस टफेंट ग्लास, सेंसर डोर, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, फाइबर ग्लास री इन्फोर्स्ड प्लास्टिक, FRP डोर फ्रेम एवं शटर, वुड ब्लॉक फ्लोरिंग ऑफ इंसुलेटेड कंटिन्यूस सैंडविच पैनल एवं एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड ट्यूबुलर आदि का प्रावधान किया गया है जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है का प्रयोग किए जाने तथा उक्त एयरपोर्ट के विकास में निहित व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा। में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश की संसदीय राजनीति अब खेत खलिहान से होकर गुजरेगी। किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों में किसानों की दुर्गति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को समृद्ध करने के लिए समृद्ध आयोग बनाया है। फैसला बजट में हुआ, हम गन्ना किसान जिस दिन प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री निवास पर स्वागत करने के लिए गए थे, प्रधानमंत्री ने भोजन कराया और ये कहा कि अन्नदाता जो पूरे दुनिया को अन्न देते हैं, मैं उनके खुशहाली के लिए
स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो बजट में घोषणा किए हैं कि उनके लागत की डेढ़ गुना कीमत उत्पादन की लाभकारी कीमत देंगे, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का पहला आयोग होगा जो किसान के समृद्धि के लिए काम करेगा। किसान समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। और किसान होने के नाते और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बात को मैं कह सकता हूं, मुझे खुशी इस बात की है कि किसानों को भी इस बात पर खुशी व्यक्त करना चाहिए कि अब देश की संसदीय राजनीति खेत और खलिहान से ही होकर गुजरेगी। उच्चतम न्यायालय मुस्लिमों में बहुविवाह और निकाह हलाला जैसी प्रथा को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई पर सहमत हो गया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी शेखर की इस दलील पर विचार किया कि इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया जाए। पीठ ने अतिरिक्त महाअधिवक्ता तुषार मेहता को केंद्र की ओर से इस मुद्दे पर संबंधित याचिका का जवाब दाखिल करने को कहा है। मेरठ में 1857 की क्रांति के नायक अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण आज डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने सदर थाने में किया। शहीद की वीरगाथा का एक पत्थर प्रतिमा के साथ लगाया गया है जिससे राष्ट्र के नायकों का इतिहास जिंदा रहे। डीजीपी ने कहा कि हमारे यहां ऐसे लोग पुलिस सेवा में भी रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि ये पुलिस के लिए एक खुशी का पहल है और आने वाले समय में पुलिस ट्रेनिंग में जवानों को धन सिंह कोतवाल का एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा तथा इन पर एक पुस्तक और डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी जिससे शहीद हुए लोगों का इतिहास अगली पीढ़ी तक जिंदा रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण भारत के गांव को शहर से जोड़ने उनके यातायात को सुगम कर रही है। सोनभद्र के पहाड़ी अंचल में इस योजना से गांव के जुड़ने का लाभ उनको मिल रहा है। कृषि चिकित्सा और शिक्षा के लिए जहां अवसर उपलब्ध हो रहे हैं वहीं आवागमन के अवसरों ने कई समस्याओं का समाधान कर दिया है। लोग छोटे छोटे रोजगार सड़क के आसपास कर रहे हैं, वहीं कई लोग टेम्पो टैक्सी का व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अब ऑटो ले लिए हैं, बेरोजगार अब नहीं है, सड़क बनने से फायदा है, जुगल से चौपन चल रहे हैं। सर पहले दिक्कत यही था कि हमारा का पहले कोई साधन नहीं था, पहले ट्रैक्टर का साधन था, कोई लोग मरीज गांव में अगर बीमार हो जाते तो उन लोगों को ले जाने आने में अस्पताल हॉस्पिटल परेशानी होती थी। अब तो कुछ साधन बन गए हैं, अब तो हमारा अच्छा रास्ता आने जाने का साधन भी हो गए हैं। जैसे रोड बन गया तो चार कोई जाए लगल, अच्छा से गाड़ी घोड़ा जाए लगनी तो हम लोग बिक्री होने लगा, दो पैसा का रोजगार लेकर बैठेगी। शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे का 19वां शहीदी दिवस लखनऊ छावनी में मनाया गया। इस अवसर पर छावनी स्थित शहीद मनोज पांडे चौक पर एक पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया जहां 11वीं गोरखा राइफल्स के सेना नायक ब्रिगेडियर पंकज सिंह समेत सैन्य अधिकारियों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कैप्टन मनोज कुमार पांडे के पिता श्री गोपी चंद्र पांडे भी मौजूद थे। परमवीर चक्र से अलंकृत शहीद मनोज कुमार पांडे 3 जुलाई 1999 को दुश्मनों के खिलाफ साहसिक प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, देश उन्हें नमन करता है। स्टेट बैंक की मथुरा शाखा में ग्राहक सेवा प्रदाता वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों को बैंक सेवा से कैसे जोड़ा जाए इसके लिए विचार किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लाभार्थियों को लाभान्वित करने तथा ग्रामीण अंचलों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को बैंक के माध्यम से पहुंचाने के लिए यह कार्य योजना बनाई गई है। इस अवसर पर बैंक के अधिकारियों ने सीएससी को 88 माइक्रो एटीएम दिए हैं जो ग्रामीणों को आसानी से बैंकिंग की लेन देन की सुविधाएं प्रदान करेंगे। भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो कार्यक्रम है इसके तहत हम लोगों का ये प्रयास होता है कि हम गांव और सुदूर क्षेत्रों में जहां बैंक की शाखाएं नहीं हैं वहां तक हम अपनी जनधन के जो खाता धारक हैं उन तक अपनी पहुंच बना सकें और उनको अपने घर के पास में जितना नजदीक हो सके बैंकिंग सुविधाएं दे सकें। आप किस तरीके से डिजिटल इंडिया के तहत कैसे ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, भीम ऐप को कैसे यूज करेंगे और एटीएम को किस तरीके से यूज करेंगे और जन सुरक्षा बीमा योजना जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 3 बीमा दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है और लोगों को हम उसकी सुविधाएं किस तरीके से पहुंचाएंगे ये जानकारी हमें यहाँ पे दी गई। बरेली जनपद में अल्पसंख्यक महिलाओं के चलाए जा रहे गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में महिलाएं कई विधाओं के कार्यों को सीखकर अपने भविष्य के निर्माण की आधारशिला रख रही हैं।
अल्पसंख्यक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे कौशल प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं को हुनर सिखाकर रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। यहां लगभग 500 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं, जिसमें सिलाई कढ़ाई फैशन डिजाइनिंग समेत कई प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें 1500 रुपये की मदद दे दी जाती है, जिससे प्रशिक्षण के दौरान प्रयोग की जाने वाली सामग्री की खरीद की जा सके। सरकार ने राजस्व लेखपालों की हड़ताल को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित लगाते हुए हड़ताली कर्मियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जनता के हितों एवं अति आवश्यक सेवाओं में हड़ताल से आ रही बाधाओं के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत आगामी 6 माह के लिए राजस्व विभाग के लेखपाल सेवा में हड़ताल को निषिद्ध करने के आदेश दिए गए हैं। अनुपालन न करने वाले कर्मियों के विरुद्ध एस्मा के तहत लेखपालों के खिलाफ बगैर वारंट जारी किए गिरफ्तारी, निलंबन एवं 6 माह की जेल तथा आर्थिक दंड व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बरेली जिले में गन्ना किसानों का 5 चीनी मिलों ने अभी तक 435 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान न किए जाने से किसान परेशान हैं। जिले की 5 चीनी मिलों में फरीदपुर की द्वारिकेश शुगर मिल का 116 करोड़, बहेड़ी की केसर शुगर मिल का 115 करोड़, मीरगंज की डीसीएम शुगर मिल का 60 करोड़, नवाबगंज की ओसवाल शुगर मिल 87 करोड़ रुपए और सेमीखेड़ा की शुगर मिल के 7 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है। डीएम ने जिले की 5 मिल के खिलाफ नोटिस जारी की है और किसानों का 14 दिन के अंदर गन्ना बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। चीनी मिलों का गन्ना पेराई सत्र समाप्त हो चुका है, वहीं गन्ना उपाय इस वर्ष गन्ना का उत्पादन पड़ा है। पिछले वर्ष 863 लाख क्विंटल और इस वर्ष 1353 लाख क्विंटल गन्ना उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष 780 करोड़ रुपए की भुगतान हुआ था और इस वर्ष 856 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। फैजाबाद में विशेष संचारी रोग नियंत्रक माह शुरू हुआ, जो 31 जुलाई तक चलता रहेगा। जागरूकता अभियान के लिए विधायक अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता व जिलाधिकारी डॉ अनिल कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार प्रसार व फॉगिंग तथा एंटी लार्वा छिड़काव के लिए आधा दर्जन से अधिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन विभिन्न शहरी विशेषकर मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आम जनता को विभिन्न संचारी रोगों से बचाव व इसके उपचार के बारे में जागरूक करेगी। इस मौके पर बच्चों ने एक रैली भी निकाली। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान के अंतर्गत संचारी रोगों एवं वेक्टर जनित रोगों मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई, एईएस के प्रति जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा। इस अभियान में संचारी रोगों विशेषकर जेई और एईएस की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के साथ साथ आम ग्रामीण व शहरी जनता को जागरूक किया जाना है। नेपाल में हो रही बारिश से राप्ती नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। कई जगह रोड कटने से संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं, जिसके कारण लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। राप्ती नदी अपने खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, लेकिन नेपाल सरकार ने चेतावनी दी है कि पहाड़ पर हो रही बरसात के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और नेपाल के डैम से भी पानी छोड़ा जा सकता है। भारत सरकार को सूचना देते हुए स्थानीय निवासियों की उचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सचेत कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की जा सके। बलरामपुर में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही लगातार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के पहाड़ी नालों में उफान आने से लगभग 2 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। बलरामपुर के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के नेपाली पहाड़ियों पर लगातार हो रही बरसात से जिले के पहाड़ी नालों में उफान आ गया है, जिसके पानी से तुलसीपुर तहसील के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। शांतिनगर, महादेव, गोसाई, महनवा आदि 1 दर्जन गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खरसार पहाड़ी नाले का बांध भी क्षतिग्रस्त हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रूस में खेले जा रहे 21वें फीफा विश्व कप में सोमवार के पहले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बहुत ही आक्रामक फुटबॉल का प्रदर्शन शुरू करते हुए
पांच बार के पूर्व चैंपियन ब्राजील के मेक्सिको को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच के पहले हाफ तक स्कोर 0 से बराबर था, लेकिन ब्राजील के सुपरस्टार नेमार के 51 मिनट के गोल दागने के बाद मानो ब्राजीली टीम और भी खूंखार हो गई। 88वें मिनट में जब रोबर्टो फेर्मिनो ने एक और मैदानी गोल दागकर और 2-0 की बढ़त दिलाकर यह सुनिश्चित कर दिया। बेल्जियम ने सोमवार देर रात खेले गए फीफा विश्व कप के रोमांचक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। जापान ने सभी को चौंकाते हुए दूसरे हाफ की शुरुआत में 2 गोल करके बढ़त ले ली। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज का अधिकतम तापमान 35.8, कानपुर का 37.4, इलाहाबाद का 40.2, गोरखपुर का 33 डिग्री, वाराणसी 36, आगरा 37.2, बरेली 32.8 और झांसी 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में कहा कि विपक्ष का महागठबंधन देश हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए है। मोदी से नफरत ही विपक्ष को एकजुट कर रही है। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कानपुर दिल्ली के बीच शुरू की हवाई सेवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में 7 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। यूपी डिफेंस एयरो स्पेस 2018 के प्रस्ताव को मंजूरी एवं रीजनल कनेक्टिविटी के तहत हवाई अड्डों का होगा विकास।